हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम क्रोशे से बाल गोपाल जी की ड्रेस बनाएंगे। 5 नंबर बाल गोपाल जी की हमने बना करके रेडी की है, तो आप चाहे उतने नंबर में इसको बना सकते हैं। जो भी साइज में आप बनाना चाहे उस साइज में आप इसे बना सकते हैं, और सभी साइज की सोले आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगी। देखिए, ये 7.5 इंच के आसपास है। आप जितना भी बड़ा रखना चाहे घेरा, इतना रख सकते हैं। पहले प्लेन सर्कल बढ़ा लीजिए, इसके बाद पैटर्न बनाना स्टार्ट कीजिए, तो बड़े आसानी से ये बड़ी हो जाएगी, और छोटी भी बनाना चाहे तो भी बड़े आराम से हो जाएगी। और चोली आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सभी चोली की, और आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो वहाँ पर भी हमारा यूज़र नेम राधे राधे क्रोचेट ही है। आप हमारी चैनल पर देख करके कोई भी चीज़ बनाते हैं तो इसकी फ़ोटो आप हमारे साथ वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, ये 4-ply वूल है हमारी, और यहाँ पर देखिए चोली हमने यहाँ पर ज्वाइंट की है, लेकिन स्लिप स्टिच से हम साइड तक आ गए हैं, और फिर यहाँ से घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। और ये वाली चोली है वो मैंने थोड़ी अलग तरीके से बनाई है। देखिए, यहाँ पर तीसरी जो रो है वो ही हमने कलर चेंज करके बना दी है, ताकि इसकी तरह बाजू हमको अलग से ना बनानी पड़े। तो इस चोली का वीडियो भी आपको हमारी चैनल पे मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर साइड से घेरा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहीं पर से 3 चेन बनाएंगे, और इसी जगह पर डाल करके और एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम चेन में 2 बार हो गया, फिर से नेक्स्ट में 2 बार, हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं सेम चेन में। देखिए, डबल क्रोशिया किसे कहते हैं? इस तरह से लूप लिया, होल में डाला, निकाला, 2 में से 1 कर दिया, फिर से 2 में से 1 कर दिया, तो इसे हम डबल क्रोशिया कहते हैं। तो हर एक चेन में 2-2 बार अब हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए, हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया है, और हर एक चेन में हमने 2-2 बार बना लिया। अब हमारी जो 3 चेन थी इसकी पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। अब हम फिर से यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, और जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई इसी जगह पर डाल करके फिर से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो सेम चेन में हमने 2 बार बना दिया। अब हम नेक्स्ट चेन में डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 बार, फिर से नेक्स्ट में 2 बार। देखिए, दोनों हमने अलग अलग बनाया, पहले हमने एक ही चेन में 2 किया, 3 चेन को हम एक डबल क्रोशिया गिनेंगे, तो ये 2 सेम चेन में हुआ, 2 अलग अलग हुआ। अब तीसरी चेन में जा करके सेम चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए, 2 फिर 2 1 1, और फिर सेम चेन में 2। अब इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, 2 चेन में 1 1 अलग अलग बनाएंगे हम। अब तीसरी वाली चेन में जा करके 2 बार, देखिए, तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए, हमारी दूसरी रो भी कंप्लीट हो गई, 2 छोड़कर हमने तीसरी में जा करके 2 बनाया है। देखिए, और अब हम यहाँ पर फिर से हमने पहले 3 चेन बनाई थी इसकी पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दिया। अब हमारा तीसरा राउंड स्टार्ट होगा, 1, 2 और 3, 3 चेन बनाई इसी जगह पर डाल करके और एक बार डबल क्रोशिया, और अब हमें 3 डबल क्रोशिया अलग अलग बनाने हैं, और चौथी चेन में जा करके 2 बार बनाएंगे। देखिए, शुरू में हमने 2 बनाया, फिर 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में फिर से 1, फिर से नेक्स्ट में, ये तीसरी बार, तो 3 हमने अलग अलग बनाए। अब चौथी चेन में जा करके 2 बार बनाएंगे सेम चेन में, देखिए, और अब हमें इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है, 3 चेन में 1 1 और चौथी में जा करके 2 बार। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घेरे में खिंचाव आता है तो आप 2 छोड़कर तीसरी में भी बढ़ा सकते हैं, या तो आपको ऐसा लगता है आपके डबल क्रोशे ज़्यादा होते हैं, घेरे में बीच में से इस तरह से मुड़ता है, तो आप कम भी कर सकते हैं, 3 की जगह आप 4 छोड़ दीजिए और 5वीं में जा करके 2 बार बनाइए। तो इसी तरह से आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऐसे ही इस राउंड को कंप्लीट कर दीजिए, 3 चेन में 1 1 और चौथी में जा करके 2 बार, 2 बनाया, ये 3, अब चौथी में जा करके 2 बार। और अब इसके बाद जो राउंड बनेगा, ये हमने घेरे में 3 राउंड प्लान बना लिया,
अब जो हमारा चौथा राउंड बनेगा इसमें से हम ये वाली पैटर्न बनाना स्टार्ट कर देंगे। इस पैटर्न को बनाने के लिए अब हमें यहाँ से हॉल बनाना है, तो चौथी रो में से हम इस हॉल को छोड़ देंगे। तो देखिए हमने तीन राउंड कंप्लीट कर दिए, अब चौथे राउंड जब हमारा स्टार्ट होगा चौथा, तब हम इस पैटर्न का हॉल बनाना स्टार्ट कर दें। यहाँ पर हमने बीच में एक एक चेन ली है, देखिए यहाँ पर 7 डबल क्रोशे लेकर के हमने एक चेन ली है। नीचे हमने कोई चेन स्किप नहीं की है, सिर्फ हमने डबल क्रोशे के बीच में एक चेन ली है। तो इस पैटर्न को मैं आपको बता दूँ, देखिए 11 हमारे फ्लावर आए हैं इस तरह के 11, तो इन दोनों के बीच में हमने 7 डबल क्रोशे, देखिए ये जब पहला हॉल बनाया तब हमने दोनों के बीच में 7 डबल क्रोशे छोड़े हैं, तो 7 डबल क्रोशे का पहले से गैप है। तो यहाँ पर जब हमारे देखिए चोली के आखिरी राउंड में हमारे पास 25 डबल क्रोशे है, लेकिन हम आपको पता है हम एक स्किप कर देते हैं और हम यूज़ करते हैं वो 24 ही यूज़ करते हैं, 24 ही यूज़ करते हैं। एक हम जब चोली को यहाँ पर से जॉइंट करते हैं तब हम तीन की चेन को छोड़ करके पहले वाले डबल क्रोशे के साथ जॉइंट कर दे है तो कर देते हैं, तो हम 24 ही यूज़ करते हैं। तो पहली रो में हमने देखिए हर एक में दो दो बनाया है, पहली रो में जो हमने डबल क्रोशे बनाए हैं वो दो दो बनाए हैं, तो 24 से डबल करेंगे तो 48 हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। तो पहली रो में हमारे पास 48 डबल क्रोशे है 48, और दूसरे राउंड में हमने दो छोड़कर तीसरी में बढ़ाया है तो ये हमारे पास 64 डबल क्रोशे है 64, तो ये हमारा दूसरा राउंड है 64। और अब ये हमारा तीसरा रो है, तो तीसरे रो में हमने तीन में एक एक बनाया और चौथी में जाकर के दो बनाए तो हमारे 80 हो गए 80, तो ये हमारे 80 डबल क्रोशे है तीसरी रो में। तो इसे हमें क्या करना है, हमें 80 नहीं चाहिए, हमें तीन कम चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी 11 पैटर्न बनी है और 11 के बीच में 7 डबल क्रोशे है, तो 11 को 7 से गुना करेंगे तो 67 होंगे। तो देखिए ये हमारे तीसरे राउंड में हमारे पास 77 डबल क्रोशिए है 77, क्योंकि हमें तीन कम करने थे तो हमारे पास 80 थे तो हमने तीन कम कर दिए है। देखिए यहाँ पर जो हमने तीन छोड़कर चौथी में बढ़ाया है, देखिए तो यहाँ पर लास्ट में हमने दो बार कहीं पर भी नहीं बढ़ाया, देखिए यहाँ पर लास्ट में दो बार कहीं पर भी हमने नहीं बढ़ाया, तो दो यहाँ से कम कर दिया और एक जब हम राउंड ज्वाइंट करेंगे तब कम कर देंगे। देखिए यहाँ से ये तीन की चेन जो है इसमें हम ज्वाइंट करते हैं हर वक्त, तो यहाँ पर नहीं करेंगे तो एक ये वाला कम हो जाएगा, तो हमारे पास जितने हमें चाहिए उतने हो जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं इसमें गिन करके, जो आपने तीन राउंड बनाए हैं तो आप इसी तरह से कर सकते हैं, या तो आपने राउंड को बढ़ाया है तो आप अपने हिसाब से जैसे मैंने एडजस्ट किया है इसको इस तरह से आप कर लीजिए, तो ही आपकी ये पैटर्न सही आएगी, क्योंकि बीच में हमें 7 डबल क्रोशे छोड़ने ही है, तभी हमारे इस फ्लावर की जगह है बीच में वो यहाँ पर से सभी में सेम आएगी। तो यहाँ पर से देखिए तीन चेन में हम ज्वाइंट नहीं करेंगे, पहले डबल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे, तो तीन डबल क्रोशे हमारे कम हो गए और हमें चाहिए थे 77 तो हमें मिल गए। तो अब हमें यहाँ पर से ये चौथा राउंड स्टार्ट करेंगे और इसमें जो हमने फ्लावर के बीच में जगह छोड़ी है वहाँ पर हम एक होल बनाते हैं, वो हम इस राउंड में बनाएंगे। तो यहाँ पर से हम एक दो और तीन चेन बनाएंगे और नेक्स्ट में डाल करके डबल क्रोशा बनाएंगे। अब हमें कहीं पर भी दो नहीं बनाने हैं, तीन चार पाँच, तो देखिए तीन की चेन को हम साथ में गिनेंगे और यहाँ पर हम 7 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 और ये 7। 7 बनाने के बाद एक चेन लेंगे और अब नीचे हमें स्किप नहीं करना है, नेक्स्ट में डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से। 7 बनाने के बाद अब हम बीच में एक चेन बनाएंगे, 3 4 5 6 और 7। 7 बना दिया, फिर से एक चेन और फिर से नेक्स्ट में से डबल क्रोशे,
और अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम बढ़ाते नहीं है तो घेरे में खिंचाव आता है, तो आप कहीं पर भी बीच बीच में कहीं पर भी दो भी बना सकते हैं, एक में कहीं पर दो बना लीजिए तो घेरे में खिंचाव नहीं आएगा। तो देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। हर एक सात डबल क्रोशे के बाद हमने बीच में यहाँ पर देखिए एक एक चेन बनाई है, तो यहाँ पर एंड में भी हमने सात डबल क्रोशा बना लिया। अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर के राउंड को जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी तीन चेन थी, इसकी पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। अब फिर से नेक्स्ट में स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। तो यहाँ पर एक हमें यहाँ पर दो डबल क्रोशे छोड़ देने हैं और तीसरे के ऊपर हमें वर्क करना है। देखिए हमारे पास सात डबल क्रोशे है, इसमें से हम दो छोड़ देंगे। तो पहले हमने तीन की चेन के ऊपर स्लिप स्टिच किया और फिर डबल क्रोशे के ऊपर किया, तो दो छोड़ दिए। अब हम तीसरे के ऊपर भी एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर यहाँ पर से हम वर्क स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने आगे दो छोड़ दिए, अब हम यहाँ पर तीसरी के ऊपर तीन चेन बनाएंगे और चौथी के ऊपर हम सेम चेन में दो बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से, और फिर से एक बार बनाएंगे। देखिए इस सात के ऊपर दो इस साइड छोड़ देंगे, दो इस साइड छोड़ देंगे और बीच में हम चार बनाएंगे, तीन के ऊपर चार। बीच में हमने देखिए सेम चेन में दो बनाया है। अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और फिर यहाँ पर एक हम नीचे भी स्किप कर देंगे। देखिए यहाँ पर नीचे भी हम एक स्किप करेंगे और बीच में भी हम एक चेन लेंगे और यहाँ पर फिर से हम एक चेन लेंगे और यहाँ पर ये जो हमारा डबल क्रोशा है पहला, देखिए यहाँ पर बनाया, फिर बीच में हमारी एक चेन है जो हमने सात के बाद एक चेन बनाई थी वो छोड़ देंगे और इस पहले डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशा बना देंगे यहाँ पर इस तरह से, और फिर से एक चेन लेंगे और यहाँ पर भी एक स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वाली चेन में डबल क्रोशा। तो इस तरह से एक होल के ऊपर हमारे तीन बन जाएंगे और अब फिर से यहाँ पर हम नेक्स्ट चेन में दो बार बनाएंगे सेम चेन में ऐसे, और फिर से एक बार बनाएंगे। देखिए बीच वाली चेन जो है हमारी, इसमें हमने दो बार बनाया। अब फिर से एक चेन लेंगे और एक छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन लेंगे और यहाँ पर ये जो पहला डबल क्रोशिया है हमारा, इसके ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन लेंगे और एक यहाँ पर स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशिया। अब हमारी नेक्स्ट चेन में है, इसमें हम सेम चेन में दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट में एक बार। तो इसी तरह से हमारा एक होल है, इसके ऊपर तीन तीन बन जाएंगे। देखिए इस तरह से, तो ऐसे ही हमारा राउंड कंप्लीट होगा। देखिए फिर से एक चेन लेंगे, यहाँ पर भी एक स्किप कर देंगे और डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन लेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन लेंगे और यहाँ पर भी एक स्किप और डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में दो बार सेम चेन में, फिर से एक बार। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। देखिए ऐसे ही हमारा राउंड कंप्लीट होगा। तो देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया, हमने ये चार बना लिया। अब हम आखिरी में ये तीन होल बनाएंगे। देखिए एक चेन ली, यहाँ पर एक स्किप कर दिया और एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन ली और इसी के जो ये तीन चेन थी हमारी पहले हमने छोड़ दी थी, इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे और यहाँ पर ये जो हमने तीन चेन बनाई थी शुरू में, इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। चेन लेंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। तो यहाँ पर भी हमारे तीन होल बन गए। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट में फिर से एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे। तो पहले हम तीन चेन वाला जो हम डबल क्रोशिया गिनते हैं वो हमें एक छोड़ देना है और नेक्स्ट में हम फिर से तीन चेन लेंगे
और इसी जगह पर डाल करके और एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम चेन में दो बार हो गया। फिर से नेक्स्ट में सेम चेन में दो बार बनाएंगे। देखिए दो चेन में हमें दो दो बार बनाना है और अब एंड में एक बार बनाएंगे ऐसे। फिर से एक चेन लेंगे और डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर से एक चेन लेंगे और डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशिया ऐसे। फिर से एक चेन और यहाँ पर पहला जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब नेक्स्ट में हमें सेम चेन में दो बार बनाना है। अब हम दो चेन में दो दो बार बनाएंगे। देखिए फिर से नेक्स्ट में दो बार बनाएंगे, शुरू में और एंड में एक एक बार। बीच में जो दो चेन है इसमें दो दो बार, देखिए शुरू में एक बनाया, अब एंड में भी एक बार बना देंगे। देखिए इस तरह से तो हमारे चार के ऊपर छः बार डबल क्रोशे हो जाएंगे। और फिर से एक चेन लेंगे और यहाँ पर तीन होल के ऊपर हम फिर से तीन होल इसी तरह से बना देंगे। एक चेन ली, फिर से डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन और पहले डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशिया। और फिर से अब नेक्स्ट में दो बार डबल क्रोशिया। तो ये राउंड हमारा इसी तरह से कंप्लीट होगा। फिर से नेक्स्ट में दो बार डबल क्रोशिया, फिर से एंड में एक बार। तो देखिए इसी तरह से ये राउंड भी हमारा कंप्लीट होगा। तो देखिए ये राउंड भी हमारा कंप्लीट होने को है। आखिरी जो रो है वो हम बनाएंगे, सॉरी आखिरी जो ये हमारी पैटर्न है वो बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक चेन ली, डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशिया और फिर से एक चेन। और अब हमें यहाँ पर से फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक छोड़ दिया था तो वो वाला डबल क्रोशिया अब हम यहाँ पर बना देंगे। देखिए यहाँ पर हमारे छः छः आते हैं तो यहाँ पर भी हमारे छः ही आने चाहिए। पहले हमने पाँच बनाए थे तो एक हमने अभी बना दिया और अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ से ये वाला कलर हम कट कर देंगे। ये वर्क हमारा फिनिश हो गया और अब हम यहाँ पर से और कलर जो भी आप इसके साथ डालना चाहते हैं वो वाला कलर लेंगे। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर से धागा खींच करके थोड़ा सा रख करके काट देंगे। तो देखिए अब हम यहाँ से कलर चेंज कर देंगे। तो ये जो हमारे छः डबल क्रोशे थे इसका जो पहला वाला डबल क्रोशा है इसके अंदर से हम इस वाले कलर को स्टार्ट कर देंगे ऐसे, एक दो और तीन, यहाँ से ही हमने कलर चेंज कर दिया। और अब ये जो हमारे छः डबल क्रोशे थे तो छः के ऊपर हम छः बार डबल क्रोशिया बना देंगे, दो तीन चार पाँच और छः, छः के ऊपर छः हमने बना दिए। देखिए ये वाला धागा हम थोड़ा सा खींच देंगे यहाँ से और अब हमें यहाँ पर देखिए ये वाले फ्लावर बनाने हैं। तो छः के ऊपर छः हमने डबल क्रोशे बना दिए, इसके बाद दो चेन बनाएंगे, एक और दो। और अब हम यहाँ से फ्लावर बनाएंगे इस वाले हॉल में। तो यहाँ पर जो पहला हमारा हॉल है इसमें डाल करके हम इस तरह से करेंगे, एक बार और ये दूसरी बार, दो बार इस हॉल में लिया हमने पहले वाले में। अब हम इसके नीचे वाले हॉल में लेंगे, लूप लिया नीचे वाले हॉल में डाला इस तरह से, फिर से लूप लिया और फिर से इस वाले हॉल में इस तरह से डाला। और इसको थोड़ा सा हम लंबा खींच करके रखेंगे क्योंकि इसके साथ हमें ले लेना है। और अब हमें ये जो हमने पहला हॉल बनाया था इसमें डालना है। तो फिर से लूप लिया और पहले हॉल में डाला और लंबा खींच करके इसी के साथ ले लेना है, एक और दो इस तरह से, हर एक हॉल में दो दो बार इसी तरह से लेना है। अब हमारा इस साइड वाला हॉल है, नीचे वाला दो है, पहले हम नीचे वाले में लेंगे, फिर से लूप लिया और फिर से इसी के अंदर हम ऐसे दो बार
और अब ए वाला होल हमारा ऊपर वाला जो है इसे हम फिर से इस तरह से दो बार निकाल देंगे इस वाले होल में से, देखिए इस तरह से। और अब हमें लूप लेकर के सबको एक साथ निकाल देना है, ऐसे क्रोशे में हमारे दो लूप रहने चाहिए इस तरह से। और अब हमें यहाँ पर इन दो लूप को भी निकाल देना है, फिर से दो चेन लेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पर फिर से छः के ऊपर छः बार डबल क्रोशिया बना देंगे, एक दो तीन चार पाँच और छः। और अब फिर से इसी तरह की पैटर्न हम यहाँ पर बनाएंगे, छः लेने के बाद दो चेन लेनी है। और अब हम पहले वाले होल में डाल करके इसी तरह से दो बार, फिर इसके नीचे वाले होल में ऐसे ही दो बार, फिर से पहला वाला होल एक और ये दो, और फिर से इस साइड वाला होल एक और दो। और अब हमारा जो ये ऊपर वाला होल है इसके नीचे चला जाता है, तो खींच करके इसे इस तरह से निकाल देंगे और फिर इसमें भी दो बार ऐसे कर देंगे। और अब हम सबको एक साथ निकाल देंगे ऐसे इस तरह से, और फिर इसे ये जो दो लूप हमारे क्रोशे में है इसे भी निकाल देंगे और फिर से एक और दो चेन लेंगे। तो इसी तरह से अब हमारी पूरी रो कंप्लीट होगी और इसी तरह से हम फ्लावर बनाते जाएंगे। देखिए और एक बार दिखा दूँ, छः के ऊपर हम छः बार बना लेंगे, दो तीन चार पाँच और छः, छः बनाने के बाद दो चेन। और पहले वाले होल में डाल करके इस तरह से छोटे छोटे थोड़े से खींचेंगे हम, बहुत नहीं लंबा खींचेंगे पहले वाले होल में, फिर दूसरे वाले होल में इससे इसके साथ आ जाए इतना खींचना है हमें। और इसी के नीचे वाले होल में देखिए ये जो पहला हमने बनाया था इसमें थोड़ा इसे भी ज़्यादा खींचना पड़ेगा ऐसे, और फिर से यहाँ पर ऐसे, और फिर से पहले वाले होल में एक और दो। और अब हम सबको सबको एक साथ निकाल देंगे ऐसे। और अब ये जो दो लूप हमारे रह गए हैं इसे भी लूप लेकर के निकाल देंगे, फिर से दो चेन बनाएंगे और फिर से इसी तरह से आगे कर देंगे। तो जैसा हमने ये वाला पैटर्न बनाया इसी तरह से आप पूरा राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है ये फ्लावर वाला, और ये फ्लावर बनाने के बाद दो चेन भी हमने यहाँ पर बना ली। अब ये जो हमने तीन चेन बनाई थी स्टार्टिंग में, इसकी पहली वाली चेन में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब हम इसे तीन चेन के ऊपर हमें फिर से एक दो और तीन चेन बनानी है, और अब नेक्स्ट में फिर से एक बार डबल क्रोशिया। तो दो में हमने एक एक बनाया, अब दो चेन में हमें दो दो बार बनाना है, एक और सेम चेन में दो, फिर से नेक्स्ट में एक और सेम चेन में दो। ये हमारे पास नीचे छः डबल क्रोशे थे, तो दो में हमने एक एक किया, दो में हमने दो दो किया, तो फिर से हमारे दो रह गए हैं, इसमें हम फिर से एक एक बार करेंगे। देखिए शुरू में दो एक एक, बीच में दो में दो दो, और फिर से दो में एक एक। तो इसी तरह से दो चार छः और आठ, छः के ऊपर हमारे आठ डबल क्रोशे हो जाएंगे। और अब ये जो होल है हमारा फ्लावर के पास में, इसमें हम दो बार डबल क्रोशिया बना देंगे, और फिर से इस साइड भी हमने दो चेन ली थी, तो इसके अंदर भी हम इस होल में दो बार डबल क्रोशिया बना देंगे, देखिए इसी तरह से। और अब हमें फिर से छः के ऊपर आठ बना देने हैं,
स्टार्ट में दो में एक 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 किया, फिर से नेक्स्ट में एक, तो दो चेन में हमारे एक एक हो गए। अब नेक्स्ट दो चेन में दो दो बार बनाएंगे, एक किया, सेम चेन में दो, फिर से नेक्स्ट में एक और सेम चेन में दो बार, देखिए, और फिर से दो रह गए हमारे इसके ऊपर, एक डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशा, तो छः के ऊपर हमारे आठ हो गए। अब दोनों साइड जो होल है हमारे इसके अंदर दो दो बार डबल क्रोशा, तो ये राउंड हमारा इसी तरह से कंप्लीट होगा। देखिए इस वाले होल में भी दो बार डबल क्रोशा ऐसे, और अब छः के ऊपर फिर से आठ कर देंगे, तो इस राउंड को इस तरह से कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए ये हमारा राउंड भी कंप्लीट हो गया, और अब हम यहाँ पर ये जो आखिरी होल में जो दो बनाते हैं वो भी बना लेंगे यहाँ पर, और अगर आप ऐसे ही रखना चाहते हैं तो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। देखिए यहाँ पर आप इसके बाद और एक रो यहाँ पर हमारी रेड कलर की आएगी, आप अगर इसे ना डालना चाहे तो ना डालें, और इसके बाद छोटी छोटी फ्रिल बना ले तो भी अच्छी लगेगी, और ऐसे ही रखेंगे तो भी ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो देखिए हम इसके बाद और दो रो बनाने वाले हैं। देखिए एक तो हमारी अभी रेड ही आएगी, और इसके बाद ये जो हमारा पीच कलर है इसे हम ये छोटी छोटी फ्रिल बनाएंगे। तो अब हम ये हमारी दो रेड बन गए, अब हम तीसरी स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए अब यहाँ से हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। देखिए आखिरी वॉल में हमने दो बना दिए, और अब हम यहाँ पर तीसरी रो स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए एक दो और तीन चेन बनाएंगे, सॉरी चार चेन बनाएंगे, क्योंकि हर एक डबल क्रोशे के बीच में हमें एक चेन बनानी है, तो तीन चेन वो और एक बीच वाली, तो टोटल हमने चार चेन बनाई। अब नेक्स्ट में डाल करके डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, फिर से नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में एक एक चेन लेनी है। डबल क्रोशिया हमें यहाँ पर कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। देखिए आठ के ऊपर हमारे आठ बार डबल क्रोशे बनेंगे इसी तरह से, बीच में एक चेन लेंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, फिर से एक बार डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन और एक बार डबल क्रोशिया। तो ये आठ के ऊपर हमने आठ बार बना दिए, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, आठ हमारे बन गए। अब ये जो दोनों होल में हमने यहाँ पर दो दो बनाए थे, दो इस साइड और दो इस साइड, वो हमें छोड़ देने हैं। देखिए इसके ऊपर हम नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पर भी आठ बनाने के बाद भी एक चेन बना लेंगे, और यहाँ से वो चारों हम छोड़ देंगे। देखिए दो ये और दो ये, तो यहाँ पर जो हमारे आठ थे इसका जो पहला वाला डबल क्रोशा है, यहाँ पर चेन बना करके सीधा हम इसी के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे, बीच में हमें चार डबल क्रोशिये छोड़ देने हैं। देखिए ऐसे दो ये वाला और दो ए वाला, फिर से एक चेन लेंगे और आठ के ऊपर आठ फिर से हम बनाते जाएंगे, और बीच में एक चेन लेते जाएंगे। देखिए डबल क्रोशिया फिर चेन, डबल क्रोशिया फिर चेन, डबल क्रोशिया फिर चेन, तो इसी तरह से हम आठ बार बना लेंगे ऐसे। और अब जो हमारे चार आ गए हैं इसे हम छोड़ देंगे, देखिए दो इस वाले होल के और दो इस वाले होल के, तो यहाँ पर भी एक चेन बनाएंगे, और यहाँ पर ये जो हमारा आठ का पहला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे, तो इसी तरह का ये हमारा राउंड लगेगा। देखिए तो पूरा राउंड इस तरह से कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड भी कंप्लीट हो गया, अब हम ये जो हमने छोटी छोटी फ्रिल बनाई है आखिरी में वो वाली बनाएंगे, तो यहाँ पर एक चेन लेकर के ये चार हमने छोड़ दिए हैं, तो पहले वाली तीन चेन की जो पहली चेन है इसमें डाल करके हमने यहाँ पर जॉइंट कर दिया। अब हम यहीं से ही धागा चेंज कर देंगे, देखिए इस वाले धागे से हमने फ्रिल बनाई है, तो यहाँ से हम धागा स्टार्ट कर देंगे और एक स्लिप स्टिच बना दी, और अब हम फिर से इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे, और इन दोनों धागों को हम साथ ले लेंगे,
और एक दो और तीन चेन बनाएंगे और इसी सिंगल क्रोशे के दो लूप उठा करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे और नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से तीन चेन और इसी के दो लूप उठा करके सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, तीन चेन, इसी के ऊपर जॉइंट कर देंगे, फिर से चौथे वाले होल में सिंगल क्रोशिया। तीन बार हमने बनाया यहाँ पर, तो तीन तीन चेन बनाएंगी और अब चौथे वाले में जब बनाएंगे तब हम पांच चेन बनाएंगे, तीन चार और पांच, ऐसे सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट में फिर से हमने चेन में नहीं लिया है, देखिए बीच में जो होल होता है दोनों डबल क्रोशे के बीच में वहाँ पर लिया है, फिर से तीन चेन और फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में फिर से तीन चेन, इसी तरह से यहाँ पर भी जॉइंट कर देंगे, फिर से आखिरी बार और यहाँ पर भी तीन चेन लेकर के जॉइंट कर दिया। अब हम इन दोनों एक्स्ट्रा धागों को यहाँ पर से खींच करके काट देंगे और अब हमें यहाँ देखिए इस तरह से लगता है हमारी सात बार इसी तरह से आएगी, ये छोटी छोटी जो फ्रिल है वो। और अब हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है लेकिन यहाँ से लेना है, देखिए फ्लावर के एंड में से यहाँ तक लंबा खींच करके बनाना है। तो देखिए इसी तरह से लूप लेंगे, यहाँ से हम क्रोशे में लूप एक ही है हमारा तो इसमें डालेंगे, देखिए फ्लावर के बीच में जो होल है यहाँ पर इस होल में डाल करके पीछे से धागा लेकर के लंबा खींच करके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। और अब यहाँ पर पहले होल में डाल करके फिर से जैसे हमने आगे किया इसी तरह से तीन चेन लेकर के यहाँ पर जॉइंट करते जाएंगे। तीन बार हम तीन तीन चेन लेंगे, चौथी वाली में हम पांच चेन बनाएंगे, देखिए इसी तरह से एक दो और तीन, दो बार हो गया और अब ये तीसरी बार एक दो और तीन, अब चौथी वाली में हम पांच चेन बनाएंगे यहाँ पर पांच, एक दो तीन चार और पांच यहाँ पर जॉइंट कर देंगे और फिर से नेक्स्ट में तीन बार एक दो और तीन, सेम जैसे हमने आगे बनाया इसी तरह से यहाँ पर भी बना देंगे ऐसे एक दो और तीन। और अब हमें यहाँ पर तीन चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम इस होल में डालेंगे, देखिए यहाँ पर तीन चेन जॉइंट करके कहीं पर भी हमने नहीं डाला है, सीधा इस फ्लावर के होल में डाल करके इस तरह से लंबा खींच करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे और फिर से यहाँ पर पहले होल में डाल करके इसी तरीके से देखिए जो हमने पत्ती ये वाली बनाई इसी तरीके से हम सारी पत्ती को बना देंगे, तो ये राउंड हमारा पूरा इसी तरह से कंप्लीट होगा, देखिए ऐसे, तो इस तरह से आप ये बना लीजिए। तो देखिए राउंड भी कंप्लीट हो गया, अब आखिरी बार जो हमने ये वाला सिंगल क्रोशिया बनाया था वो हम यहाँ पर बना देंगे इस तरह से ऐसे। और अब ये जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था इसी की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे और एक चेन लेकर के धागा काट देंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने इस फ्लावर के एंड में मोती लगाया है, देखिए ये वाला मोती हमने नीडल की मदद से लगाया है तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तो देखिए मैंने नीडल में धागा पिरो लिया है और यहाँ पर कहीं पर से भी स्टार्ट कर देंगे और यहाँ से धागा स्टार्ट कर देंगे इस तरह से एक दो बार यहाँ पर पक्का कर लीजिए, इसके बाद इस साइड से ऐसे करके लगा दीजिए। और मोती आपके पास जो भी नंबर्स के है वो आप यहाँ पर रख करके देख लीजिए, साइज़ आपको सही लगे
वो यूज़ कीजिए। इस तरह से हम इस डबल क्रोशे से बीच में से ही निकल जाएंगे। देखिए धागा हम यहाँ से काटेंगे नहीं, इस फ्लावर से इस फ्लावर तक जाने के लिए हम डबल क्रोशे के बीच में से ही निकल जाएंगे। देखिए यहाँ से, और नीचे से भी धागा दिखेगा नहीं हमारा। तो इस तरह से हम सारे फ्लावर्स में मोती लगा देंगे। देखिए यहाँ से इस साइड निकल जाएंगे। तो ऐसे करके आप सारे मोती लगा दीजिए। देखिए ऐसे, तो देखिए मोती हमने लगा दिए हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में आई बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।